ફાતેમા અહમદ અબ્બાસ મમ્મી મારી તકલીફ છે રુમેટાઇડ આર્થરાઇટિસ હું પેશન્ટ છું મને આ તકલીફ ઘણા વખતથી છે 8-9 વર્ષથી છે પછી હું ઘણી દવા કરાવી ઇંગ્લિશ દવા બી બહુ કરાવી પણ મને કોઈ ફરક નહીં મળે દવાથી બિલકુલ પછી સંજીવની હોસ્પિટલનું મને એડ્રેસ મળ્યું જ્યાં હું આવી ત્યાં સોહેલ સાહેબ સાથે મારી વાત થઈ દવા માટે તો મને સોહેલ સાહેબે મને દવા માટે કીધું કે આ તકલીફ હું સારી કરવા કોઈ કરી નહીં હું સારી કરવા પણ હું ત્યાં આવવા પછી મને હું 3 મહિનાની દવા મારી અમને 3 મહિનાની દવા ચાલુ છે પણ મને ઘણી બધું એટલું બધું તકલીફમાં એટલો ફરક છે કે મને એટલું સારું છે કે હું પેલે વોકર પર ચાલતી હતી અત્યારે હું વોકર વગર બી ચાલી શકું છું એટલી બધી મને તકલીફમાં બધું ફરક છે એમ સારું છે મને તકલીફમાં હજુ બી એમ સાહેબે મને કીધેલું છે કે કઈ નહીં હું વર્ષ સુધીમાં હું તને સારું કરી આપવા મને દિલાસો આપેલો છે સાહેબે આ દવાથી મને ઘણો ફરક છે हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज यहां पे हम बात करने वाले हैं रूमेटोइड आर्थराइटिस, आमवात और गठिया इस रोग के बारे में। रूमेटोइड आर्थराइटिस को आयुर्वेद में आमवात कहा जाता है और कॉमन लैंग्वेज में इसे हम गठिया कहते हैं। रूमेटोइड आर्थराइटिस दोस्तों एक ऐसा डिजीज है जो छोटे जॉइंट्स से शुरू होकर बड़े जॉइंट्स में फैलता है, मतलब के हमारे हाथों और पैरों के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उससे शुरू होकर धीरे धीरे ये बाकी के जॉइंट्स में फैलता है। फीमेल्स जो है ये इस डिसीज में ज्यादा अफेक्ट होती है, मतलब के पुरुषों की कंपैरिजन में फीमेल में ये रोग ज्यादा होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 3:1 का रेशियो है, मतलब फीमेल्स 3 गुना ज्यादा अफेक्ट होती है। मतलब अगर एक मेल को होता है तो उसके सामने 3 फीमेल को होता है। फीमेल आर मोर अफेक्टेड फ्रॉम रूमेटोइड आर्थराइटिस। कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद तुरंत रूमेटोइड आर्थराइटिस यानी कि ऑटोइम्यून डिसीज होते हुए देखा जाता है। इसको साइनोवाइटिस या पोलीआर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 मुख्य लक्षण देखे जाते हैं, पेन यानी कि दर्द, स्वेलिंग यानी कि जॉइंट्स में सूजन और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि सुबह उठने पे जॉइंट्स में जकड़न का एहसास होना। ये 3 मुख्य लक्षण देखे जाते हैं। ज्यादातर 30 से 40 साल की जो एज ग्रुप की जो लेडीज हैं उनमें ये रोग जल्दी और ज्यादा होते हुए देखा जाता है और उसमें जो पेन है, रूमेटोइड आर्थराइटिस का जो पेन है ये अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक है, मतलब एक ऐसा बॉडी एक, एक ऐसा बदन दर्द कि जिसको समझाना मुश्किल है, इसे रूमेटोइड आर्थराइटिस कहा जाता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस दोस्तों एक ऑटोइम्यून डिसीज है। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं रूमेटोइड आर्थराइटिस के बारे में, रूमेटोइड आर्थराइटिस होने के कारण, रूमेटोइड आर्थराइटिस का इलाज तो और आयुर्वेद में उसके क्या क्या इलाज अवेलेबल है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए बात करते हैं रूमेटोइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटोइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, जो हमारे शरीर को बाहर से होने वाले किसी भी अटैक से, किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसका वो खुद ही रोग पैदा करती है। मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक हमारी बॉडी को अटैक करती है, हमारे जॉइंट्स को अटैक करती है और वो कहते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है, वैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम खुद रोग पैदा करने लगती है, उसे ऑटोइम्यून डिसीज कहा जाता है। ऑटोइम्यून डिसीज काफी सारे होते हैं। रूमेटोइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज, जो हमारे बॉडी में होने वाले काफी ऑटोइम्यून डिसीज में से एक ऑटोइम्यून डिसीज है और आज हम यहाँ पे रूमेटोइड आर्थराइटिस यानी कि आमवात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आमवात में यानी कि रूमेटोइड आर्थराइटिस में आप देखेंगे तो जॉइंट पेन और स्वेलिंग और मॉर्निंग स्टिफनेस, ये 3 लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं और ज्यादातर ये जो डिसीज है ये अगर पुराना होता जाएगा तो ये हमारे कार्टिलेज को डैमेज कर सकता है। कार्टिलेज को डैमेज करने के बाद धीरे 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 अगर 10-15-20 साल अगर ये डिसीज पुराना हुआ तो ये रोग हमारी बॉडी के जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी क्रिएट कर सकता है, मतलब कुछ ऐसे जॉइंट्स को इमोबाइल कर सकता है कि जो जॉइंट्स फिर स्टिफ हो जाते हैं, मतलब उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उसको आप घुमा नहीं सकते, वो स्टिफ हो जाएंगे। जैसे कि हाथों की उंगलियां, कभी कभी रिस्ट जॉइंट, किसी का एल्बो जॉइंट, किसी का शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है, मतलब वो उसको मोबाइल यानी कि घुमा नहीं सकते, इमोबाइल हो जाता है। ये कंडीशन तक भी रूमेटोइड आर्थराइटिस का डिसीज पहुंच सकता है और इसके जो कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स जो है, मतलब जो जिन जॉइंट्स में ज्यादा अफेक्ट होती है वो ज्यादातर हाथों की उंगलियां, उसके बाद रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फिर हमारा जो है वो शोल्डर जॉइंट,
फिर बैक में भी ये होता है, आपका कमर में भी होता है, घुटनों में, एंकल में और पैरों की उंगलियों में, ये सब जगह पे होता है। लेकिन ज्यादातर अफेक्शन जो है इसका वो स्मॉल जॉइंट्स में, हाथ और पैरों की जो उंगलियों के जो जॉइंट्स है उसमें ज्यादा देखा जाता है। पूरे हिंदुस्तान की 2% पॉपुलेशन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम का रोग है, यानी कि 100 में से 2 लोगों को ये रोग होता है। जैसे कि आगे मैंने आपको बताया, फीमेल्स में ज्यादा होता है मेल की कंपैरिजन में। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का सबसे मेन कारण आजकल की खराब फूड हैबिट और खराब लाइफस्टाइल, मतलब लेट नाइट तक सोना, लेट नाइट को सोना, सुबह में लेट उठना, रात को हैवी खाना खाना, बाहर होटलों का खाना ज्यादा खाना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, ज्यादा फर्मेंटेड यानी कि खमीर वाला खाना ज्यादा खाना, खमन, ढोकला, इडली, डोसा, ये सारी चीजें ज्यादा खाना। उसके बाद दोस्तों विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक मेन कारण है। विरुद्ध आहार मतलब के आप मांस, मच्छी, मटन खा रहे हैं, उसके साथ दूध का सेवन करना, या और कोई भी आप पल्सिस खा रहे हैं, और कोई भी आप प्रोटीन वाली चीज खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, चना मटर खा रहे हैं, उसके साथ दूध का सेवन करना, या तो कोई नमकीन चीज के साथ दूध का सेवन करना, जो अंदर जाके फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसकी वजह से, और जो अल्कोहल, जो विष अंदर में तैयार होता है, वो आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करके आपको ये डिसीज में इन्वॉल्व करता है। इसे आमवाद कहा जाता है इसीलिए क्योंकि जो आप खाना खाते हैं, अगर आपने विरुद्ध आहार का सेवन किया है तो अंदर जाके वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें से जो आम पैदा होगा, आम माने की एक प्रकार का विष, एक प्रकार का जहर, वो आम और जो बॉडी में वायु खराब हुआ है, वो विटिएटेड वायु, ये दोनों मिक्स होने के साथ ये रोग बनता है आमवात। और आमवात रोग होने के बाद अगर हम सिम्टम्स देखें कि आमवात के रोगों को, आमवात के रोगी को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है अंग मर्द, यानी कि बॉडी एक बहुत ज्यादा बदन दर्द होता है। उसके बाद अरुचि, यानी कि टेस्टलेसनेस, मतलब कि आप कुछ भी खाओगे टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा कड़वा महसूस होता है। तृष्णा यानी कि तरस, यानी कि पानी की प्यास ज्यादा लगती है। आलस्य यानी कि लिथार्जिकनेस, पूरा दिन काम करने की इच्छा नहीं होती है, बेड में पड़े रहने का मन करता है। वीकनेस और आलस का एहसास होता है। गौरव यानी कि बॉडी में हैवीनेस फील होता है। हल्का हल्का बुखार भी महसूस होता है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह में उठ के जॉइंट्स में स्टिफनेस और जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन आयुर्वेद में स्पेशली एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है ये जॉइंट पेन के लिए, जिसे वृश्चिक दंत समान वेदना, यानी कि बिच्छू काटता है और जो तड़पने वाली वेदना होती है, जो पेन होता है, वैसा पेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हुए देखा जाता है। दोस्तों कुछ और लक्षण की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को एक लक्षण हमेशा होता ही है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होता है उसको, थोड़ा या ज्यादा प्रमाण में कब्ज होता है। कब्ज होने के बाद ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। उसके बाद फुलनेस इन एब्डोमेन, मतलब पेट में भारी भारी पना महसूस होना और पेट में गड़बड़ महसूस होना, इनडाइजेशन होना, मतलब पाचन क्रिया का सही नहीं चलना, पेट फूल जाना, पेट में गैस होना, ब्लोटिंग होना, पूरी बॉडी में आपको ब्लोटिंग फील होना, सूजन जैसा फील होना, और रात को नींद नहीं आना, ये सारे लक्षण आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मॉडर्न साइंस में ज्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। पेन किलर्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स और स्टीरॉइड्स, ये 3-4 चीजें आपको दी जाती हैं और आपके डिसीज को मेंटेन किया जाता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन यानी कि कुछ ऐसे ब्लड रिपोर्ट्स हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले CBC, दूसरा ESR, तीसरा RA टेस्ट और चौथा कंफर्म करने के लिए NTCCP टेस्ट करवाया जाता है। ये 4 टेस्ट करने से आपको पता चल जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जब आप आयुर्वेद के द्वार पे आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी बॉडी में से आम विष यानी कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा है उसको हम निकालते हैं, उसको शोधन प्रक्रिया यानी कि लंघन प्रक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले हम लंघन करवाते हैं, दोषों का पाचन करवा के आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से इसको आप हमारे आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक बार आपकी बॉडी से पूरा आम निकल जाता है, पूरे दोष निकल जाते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तब आपका शरीर निराम हो जाता है। आपका बॉडी एक बार निराम होने के बाद आपको अभ्यंग यानी कि कुछ पर्टिकुलर
ऑयल से बॉडी मसाज करवाया जाता है, पोटली मसाज करवाया जाता है, आपको बस्ती ट्रीटमेंट यानी कि जो आयुर्वेद की वायु को ठीक करने की जो सबसे बेहतरीन चिकित्सा है जिसे हम बस्ती कहते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि आधे से ज्यादा रोगों की चिकित्सा सिर्फ बस्ती से ही हो सकती है। तो उसमें बस्ती चिकित्सा करवाई जाती है, विरेचन करवाया जाता है, उसके बाद कुछ औषध भी दिए जाते हैं। मैं आपको एक दो औषध के नाम बताता हूं जिसको आप घर पे भी ले सकते हैं। आप पहले नोट डाउन कर लीजिए महाराष्ट्रनादी काढ़ा। ये महाराष्ट्रनादी काढ़ा को 15 से 20 ml सुबह में और 15 से 20 ml शाम को खाली पेट गर्म गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके आप इसका सेवन 3 से 4 महीने तक कर सकते हैं। दूसरा कैसोर गुगलू नाम की गोली का सेवन आप सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद चबा के कर सकते हैं। ये दो दवाइयों का सेवन करने से आपको पेन में राहत होगी। दोस्तों आप नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर का संपर्क करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएं। 1 से 5 साल के अंदर का रूमेटॉइड आर्थराइटिस जल्द से जल्द ठीक होता है। अगर ज्यादा पुराना आर्थराइटिस है उसमें भी आयुर्वेद से काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाएं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि आयुर्वेद से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक होता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले 10 साल में काफी सारे मतलब सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है के जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और वो आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पेशेंट का इंटरव्यू भी दिया है, आप इस वीडियो की शुरुआत में भी इंटरव्यू देख सकते हैं जिसमें पेशेंट अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हुआ है। तो दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपको हुआ है तो आप घबराए मत, आप आयुर्वेद के द्वार पे आए, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हमारे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप हमसे बात करके आपके घर पे आयुर्वेदिक दवाइयां मंगवा के इस रोग को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।